हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये पैच बनाना बताऊंगी। पहले हम स्लिप स्टिच लेकर धागा लॉक कर लेंगे और फिर एट चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एट चैन लेने के बाद हम फर्स्ट चैन पर अटैच करके रिंग बना लेंगे। रिंग कंप्लीट होने के बाद में हम वन चैन लेकर ये रिंग में हम 16 टाइम सिंगल क्रोचेट डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। अब ये 16 टाइम सिंगल क्रोचेट डालने के बाद में हम जो पहले स्टार्ट में जो फर्स्ट चैन लिए थे उसमें हम अटैच कर लेंगे। ये रिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम 4 टाइम्स चैन लेंगे। 1 2 3 4 4 चैन लेने के बाद हम नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे। 1 2 और ये फर्स्ट सिंगल क्रोचेट की जो चैन है उसमें हम अटैच 3 ऐसे हम जैसे हम ट्रिपल क्रोचेट लेते सेम उसी तरह हम लेंगे। फर्स्ट चैन में हम 2 टाइम्स करेंगे और सेकंड चैन में हम 3 टाइम्स करेंगे। ये 2 टाइम्स कंप्लीट हो गया। वैसे तो हमें फर्स्ट चैन में भी 3 टाइम करना है, सेकंड में भी 3 टाइम करना है, बट हमने इसमें 4 चैन लिया है तो वो ऑलरेडी वैसा ही दिख रहा है। इसलिए आप नेक्स्ट चैन बिना चैन छोड़े, बिना चैन लिए उसी में हम 3 टाइम्स डबल क्रोचेट ट्रिपल क्रोचेट की तरह डालेंगे। ट्रिपल क्रोचेट में हम 3 टाइम्स धागा फोल्ड करके थे, बट इसमें हमें सिर्फ 2 टाइम्स ही धागा फोल्ड करना है और हमें एक चैन में 3 बार डालना है। ये देखिए, फर्स्ट चैन में हमने 2 टाइम्स डाला, सेकंड में हमने 3 टाइम्स डाला। अब हम 5 चैन लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 और ये देखें इसी तरह यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है। 5 चैन लेने के बाद हम यहाँ पर 2 चैन छोड़कर थर्ड पर हम फिर से 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट डालेंगे। फर्स्ट चैन पर हमने 3 टाइम्स डाल दिया, अब सेकंड चैन पर भी हम 3 टाइम्स डालेंगे। ये देखें, ये 2 कंप्लीट हो गए। इसी तरह हमें 4 टाइम्स करना है। फिर से हम 5 चैन लेंगे, फिर से हम 2 चैन छोड़कर थर्ड में हम 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट डालेंगे।
और नेक्स्ट में भी हम फिर से 3 times ही डालेंगे, 1, 2, 3। अब फिर से हम 5 chain लेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5। फिर से 2 chain छोड़कर 3rd पर सेम उसी तरह 3 times डालेंगे, 3 times डालेंगे। ना बीच में चैन लेनी है, ना नीचे चैन का गैप छोड़ना है। अब फिर से हम 5 chain लास्ट लेंगे, 5 chain लेने के बाद में हमने ये जो 3 chain का ये लिया था उसमें हम अटैच कर देंगे। 3 chain की 1st chain पर हम अटैच करके ये इतना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में जाने के लिए हम पहले 1 chain लेंगे और ये जो 3 chain ली हुई है उसकी 1st chain पर ही हम पहले सिंगल क्रोचेट लेंगे। सिंगल क्रोचेट लेने के बाद में नेक्स्ट जो ये ट्रिपल क्रोचेट डाला हुआ है उस पर हम पहले हाफ क्रोचेट डालेंगे, फिर एक डबल क्रोचेट डालेंगे। फिर ये जो 2 है उन पर हम जैसे हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोचेट डाला था सेम उसी तरह हम 2 times इसमें ट्रिपल क्रोचेट डालेंगे। इसमें 2 times ट्रिपल क्रोचेट हो गया। अब नेक्स्ट बाजू वाले में भी हम 2 times ट्रिपल क्रोचेट डालेंगे। इसमें 2 times, इसमें 2 times हो गया। अब इसमें हम 1 time डबल क्रोचेट डालेंगे, फिर उसी में हम हाफ डबल क्रोचेट डालेंगे और लास्ट में हम सिंगल क्रोचेट डाल देंगे। ये गोल राउंड कंप्लीट हो गया। पहले स्टार्ट में हमने क्या किया, 1st पर हमने सिर्फ 1 time सिंगल क्रोचेट डाला, नेक्स्ट में हमने हाफ डबल क्रोचेट डाला, उसी में हमने डबल क्रोचेट डाला, फिर 2 times हमने ट्रिपल क्रोचेट डाला 1 chain में, फिर से 2 times हमने 1 chain में ट्रिपल क्रोचेट डाला, फिर उसमें डबल क्रोचेट डाला नेक्स्ट में, और उसी में हमने हाफ डबल क्रोचेट डाला और लास्ट में हमने सिंगल क्रोचेट डाला। यहाँ पर भी हमने सिंगल क्रोचेट, यहाँ पर भी सिंगल क्रोचेट डाला। अब ये जो 5 chain है उसकी 1st chain पर हमें सिंगल क्रोचेट लेना है, 2nd पर भी हमें सिंगल क्रोचेट लेना है, 3rd chain पर हमें 3 times सिंगल क्रोचेट लेना है, 1, 2, 3। 4th पर हमें 1 time ही सिंगल क्रोचेट लेना है और 5 पर भी हमें 1 time सिंगल क्रोचेट लेना है। ये देखिए, अब फिर से ये 6 ट्रिपल क्रोचेट आ गए। 1st ट्रिपल क्रोचेट पर हमें सिंगल क्रोचेट लेना है, 2nd पर हमें हाफ सिंगल क्रोचेट डबल क्रोचेट डालना है और एक 1 double crochet डालना है। 2 triple crochet कंप्लीट हो गए। 3rd पर हमें 2 times डबल क्रोचेट ट्रिपल क्रोचेट डालना है, 4th पर हमें फिर से 2 times डबल क्रोचेट डालना है, ट्रिपल क्रोचेट डालना है, 5th पर हमें 1 time डबल क्रोचेट डालना है और 1 time हाफ डबल क्रोचेट डालना है। हाफ डबल क्रोचेट के लिए हम क्या करते हैं, धागा लेकर अंदर जाते हैं, धागा लेते हुए बाहर आते हैं और तीनों में से एक साथ बाहर आ जाते हैं।
और लास्ट में 6 ट्रिपल क्रोशेट पर हम सिर्फ सिंगल क्रोशेट लेंगे। ये भी कंप्लीट हो गया। अब 5 चैन पर मैंने जहाँ पर ऐसा यहाँ पर बताया सेम उसी तरह यहाँ पर भी करना है। फर्स्ट चैन पर 1 चैन लेनी है, 1 सिंगल क्रोशेट डालना है। सेकंड पर भी हमें 1 सिंगल क्रोशेट डालना है। थर्ड पर हमें 3 टाइम्स सिंगल क्रोशेट डालना है। फोर्थ पर हमें 1 सिंगल क्रोशेट डालना है और फिफ्थ पर हमें 1 सिंगल क्रोशेट। सिर्फ थर्ड चैन पर ही हमें 3 टाइम्स सिंगल क्रोशेट डालना है। उसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट ट्रिपल क्रोचेट पर हम 1 सिंगल क्रोचेट डालेंगे, सेकंड पर हम हाफ डबल क्रोचेट डालेंगे, उसी में हम डबल क्रोचेट डालेंगे, थर्ड पर हम 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट डालेंगे। जैसे हमने आगे पहले फॉलो किया था सेम उसी तरह यहाँ पर भी करना है। फोर्थ पर भी हम 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट डालेंगे, फिफ्थ पर हम पहले डबल क्रोचेट डालेंगे, फिर उसी में हम हाफ डबल क्रोचेट डालेंगे, लास्ट में हम सिंगल क्रोचेट डालेंगे। फिर से फिफ्थ चैन आ गई, फर्स्ट पर हम सिंगल क्रोचेट डालेंगे, सेकंड पर भी सिंगल क्रोचेट, थर्ड पर हम 3 टाइम सिंगल क्रोचेट डालेंगे, 1 2 3। ये हमें गैप में नहीं करना है, चैन के ऊपर ही लेना है। फोर्थ पर भी हम सिंगल क्रोशेट डालेंगे और फिफ्थ पर भी हम सिंगल क्रोशेट डालेंगे। अब फिर से 6 टाइम डबल ट्रिपल क्रोशेट आ गए। फर्स्ट पर हम सिंगल क्रोशेट लेंगे, सेकंड पर हम पहले हाफ डबल क्रोशेट डालेंगे, उसी में हम डबल क्रोशेट डालेंगे, फिर थर्ड एंड फोर्थ पर हम ट्रिपल क्रोशेट 2 टाइम्स डालेंगे, 1 2। फिर से हम 2 टाइम्स डबल ट्रिपल क्रोशेट डालेंगे, फिफ्थ पर हम 1 टाइम्स डबल क्रोशेट डालेंगे, उसी में हम हाफ डबल क्रोशेट डालेंगे, लास्ट में हम 1 सिंगल क्रोशेट डालेंगे। अब ये लास्ट की 5 चैन है, उसकी फर्स्ट चैन पर हम 1 चैन लेंगे, 1 सिंगल क्रोशेट डालेंगे, सॉरी सेकंड पर भी 1 सिंगल क्रोशेट डालेंगे, थर्ड पर हम 3 टाइम सिंगल क्रोशेट डालेंगे, फोर्थ पर हम 1 सिंगल क्रोशेट डालेंगे, फिफ्थ पर भी हम 1 सिंगल क्रोशेट डालेंगे। अब यहाँ पर हम धागा अटैच करेंगे और चैन लेकर धागा कट कर लेंगे, इसे लॉक करके बैक साइड में अटैच।